नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथे गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वःः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है अहंकार अपने ही विनाश का एक कारण। भाग एक। दर्पण जल और स्फोटक में प्रकाशित सूर्य का प्रतिबिंब सभी ने देखा है। इस सत्य से भी कोई अनभिन्न नहीं है कि सूर्य के प्रतिबिंब का अस्तित्व सूर्य का कारण ही दिखलाई देता है। वस्तु प्रतिबिंब का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। आप ऐसी दशा में प्रतिबिंब अपने को सूर्य मान बैठे तो यह उसकी भूल ही होगी। जीवात्मा को भी अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। वह भी शरीर रूपी दर्पण में परमात्मा का प्रतिबिंब मात्र है। यदि मनुष्य स्वतः अपने अस्तित्व को अपने विशेषता मान बैठे तो यह उसकी भी भूल होगी। किंतु खेद है कि अज्ञान के कारण मनुष्य ये भूल करता है। उसे समझना तो यह चाहिए कि उसके अंतकरण में जो परमात्मा नाम का तत्व विराजमान है, उसी की विधात्मानता शरीर में चेतना उत्पन्न करती है, जिसके बल मनुष्य सारे विचार और व्यवहार करता है। परमात्मा जब अपनी उस चेतना को अंतर्हित कर लेता है, तब यह चलता फिरता चेतन शरीर जड़ होकर मिट्टी बन जाता है। किंतु मनुष्य सोचता यह है कि उसका शरीर अपना है, उसकी चेतना अपनी है, उसकी सत्ता से ही वह सारे कार्य व्यवहार करता है। यह मनुष्य मिथ्या अहंकार है। जीवन प्रकृति में मनुष्य का अहंकार बहुत बड़ा बाधक है। इसके वशीभूत होकर चलने वाला मनुष्य प्राय पतन की ओर ही जाता है। श्रेय पथ की यात्रा उसके लिए दरुणीय एवं दुर्गम हो जाती है। अहंकार से भेद बुद्धि उत्पन्न होती है, जो मनुष्य को मनुष्य से ही दूर नहीं कर देती। अपति अपने मूल स्रोतों परमात्मा से भी भिन्न कर देती है। परमात्मा से भिन्न होते ही मनुष्य में पाप प्रवृत्तियों प्रबल हो सकती है। वह न करने योग्य कार्य करने लगता है। अहंकार के दोष से मति विपरीत हो जाती है और मनुष्य का गलत कार्यों में ही सही का मान होने लगता है। क्रमश जारी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य